नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेरोक्सिन एक्सपी 625 mg टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। सेरोक्सिन एक्सपी 625 mg टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सेरोक्सिन एक्सपी एक ब्रांड नेम है। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सेफ्रोक्सिन 500 mg और पोटेशियम क्लेविलेनेट 125 mg होता है। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, गोनोरिया होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, मुंह का स्वाद खराब होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की वजह से महिलाओं की वजाइना से डिस्चार्ज होना और वजाइना में खुजली होना आदि साइड इफेक्ट्स भी सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को डॉक्टर 5 दिन से लेकर 10 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने की सलाह दी है। सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में
सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। वैसे सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर जरूरत पड़ने पर सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को लेते समय स्तनपान करा रही महिलाओं को बच्चे में सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को नोटिस करते रहना चाहिए। यदि किसी बच्चे को दस्त होते हैं या त्वचा पर रैशेस होते हैं तो स्तनपान करा रही महिलाओं को तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेकर सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट को बंद कर देना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेरोक्सिन एक्सपी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।